तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तैयारी बना लीजिए, हो जाइए तैयार। और अब हम लोग शुरू करेंगे नीट 2024 के लिए हमारा जो सेशन है, प्रैक्टिस सेशन, अभ्यास। और इस अभ्यास को लेकर आज हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे कि हमारे जो अभ्यास सेशन का जो टॉपिक का शेड्यूल है वो क्या होने वाला है। तो ज़्यादा कुछ इधर उधर की बात करने का कोई मतलब है नहीं। सीधे हम आपसे, पिछले वीडियो में हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपना टॉपिक बताइए। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग दूसरों के भरोसे बैठे हैं। ठीक है कि जब दूसरा कुछ कोई भी टॉपिक देगा तो हम उसमें देख लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो दूसरों के भरोसे बैठे हैं वो दूसरों के हिसाब से ही चलेंगे, है ना। तो जो टॉपिक की रिक्वेस्ट मेरे पास आई है उन टॉपिक्स की हम लोग जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग किस सीक्वेंस में चलेंगे लेकर, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हम लोग लेंगे 4th of December, ठीक है, 4th of December को, यानी कल। ठीक है, कल अपन लेकर चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसको थियरी जो हो चुका है तो उसको पढ़ के बैठिएगा भाई, है ना। थियरी जो हो चुका है पढ़ के बैठिएगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अपने सिलेबस में है नहीं, तो थियरी पढ़ के बैठिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। फिर अच्छा कुछ, ये एक पंगा आ गया। कुछ बच्चे हैं जिनका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अभी नहीं हुआ है एक बैच में, ठीक है। तो अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को थोड़ा सा लेट करेंगे, तब तक उधर हो जाएगा, है ना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। देन मेरे ख्याल से उसी सीक्वेंस में चलें, ठीक है। एक्सक्रीशन, देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक तरफ से खत्म करते हुए चले, है ना। और देन उसके बाद हम लोग चलेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर हम लोग जो टॉपिक्स अभी हो गए हैं पहले हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन उसके बाद एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। देन बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। आफ्टर दैट बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। फिर हम लोग जो शेड्यूल में लेकर चलेंगे वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई कि अभी जो नीट का सिलेबस आया है तो एनिमल टिश्यू लेट जो है एडअप हुआ है, तो वो अपन ने शुरू में नहीं किया है, ठीक है। तो वो लास्ट में रखेंगे, और उसी की अकॉर्डिंग फ्रॉग और कॉकरोच को भी अपन लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक लास्ट में रखने वाले हैं, जो अभी नहीं हुआ है या जो लेट हुआ है, उसको अपन लास्ट में रखेंगे, ठीक है। जो हो गया है उनको पहले रखेंगे, ताकि अपना रिवीजन भी चलता रहे और डिस्कशन भी चलता रहे, है ना। एक साथ दो काम अपने हो जाए। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, देन उसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यानी पार्ट 1 जिसे हम कहते हैं, और फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2,
पार्ट टू में आ जाता है एप्लीकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और एप्लीकेशन। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म में अच्छा कुछ लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और तब तक हो जाएगा फिर हम लोग देख लेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये पहले भी करा सकता हूँ मैं, है ना, उस टाइम पे अपन देखेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। फिर आ जाइए जो बचे हुए 12th के टॉपिक्स हैं, उसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, देन उसके बाद हम लोग आएंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है, तब तक ये हो जाएगा। देन टॉपिक हम लोग देखेंगे फ्रॉग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉकरोच, ठीक है। हालांकि हम कंटिन्यूएशन में अर्थवॉर्म भी देखेंगे, कुछ छूट न जाए, है ना। अभी बताओ क्या छूट रहा है, कुछ छूट रहा है क्या? डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तो रहा नहीं, कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, वो हम नीचे इसको कंटिन्यूएशन में ले लेंगे, ठीक है। तो 4th of December से हम स्टार्ट करेंगे, और जो कि है कल, तो पढ़ के आइए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम शेड्यूल रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर 4th of December को, यानी कल इवनिंग में। टाइमिंग रहेगा 9 to 9:30 के बीच में ही अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिन में क्लासेस हैं, और क्लासेस के बाद इवनिंग का अगर शेड्यूल रहा तो 9:30, अगर इवनिंग का शेड्यूल नहीं रहा तो 8:30 पे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेबल फ्लक्चुएट करेगा, और वो डिपेंड करता है इवनिंग के शेड्यूल पे, इवनिंग का जो क्लासेस का ऑफलाइन टाइम टेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं फिर।